Assalamualaikum dear cadets, I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you into our last lecture before our test series starting from 14th of May 2020. Dear cadets, I hope that you have prepared your previous lecture. Dear cadets, as I know that you are facing the problem of uploading your lecture into the Google Classroom. The first thing you should do is to update your Google Classroom application from Google Play Store and then restart your cell phone. I hope that it will work. Open page number 25 on your books and the question today we have to solve is of exercise and they will start from 1.6. What role SI unit have played in the development of science? हमारी साइंस की तरक्की के अंदर सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किरदार अदा किया है? तो जैसे हमने ऐसा यूनिट्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत अशद ज़रूरत थी, वो थे कि एक जैसे आपके पास स्टैंडर्ड का होना, कहीं आपके पास केजी अप होता था, कहीं केजी का वेट कम होता था, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया 1000 ग्राम होंगे तो आपके पास 1 केजी जो है वो कम्प्लीट होगा। तो उसके बाद हमारे पास जो इसका आंसर है वो मैं आपको प्रॉपर अपलोड कर दूंगा आपकी असाइनमेंट के अंदर, बल्कि आपकी जो हेल्पिंग मटेरियल है उसके अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर इसका वही है कि सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत महसूस हुई तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक स्टैंडर्ड ना होने पे हमें ऐसा यूनिट्स की ज़रूरत महसूस हुई और जो साइंटिस्ट थे दुनिया के एक हिस्से के और दूसरे हिस्से के, वो आपस में जो नॉलेज था वो शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि कहीं मीटर इस्तेमाल होता था, कहीं कोई और यूनिट इस्तेमाल होता था, कहीं सेकंड छोटा था, कहीं सेकंड बड़ा था। तो इस वजह से जब तमाम दुनिया के साइंटिस्ट एक ही स्टैंडर्ड में मुतफिक हो गए तो फिर अपना जो नॉलेज है वो शेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट? तो बेटा वर्नियर कांस्टेंट जो है ये वही सेम चीज़ है जो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है। तो इसका जवाब भी आपके पास मौजूद है ऑलरेडी और दोबारा से आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर? जीरो एरर क्या होता है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब आप उसके जार्स क्लोज करते हैं तो जो आपके पास थोड़ा बहुत एरर आता है, जो 0.01, 0.2, 0.3, 0 के जितने भी एरर होते हैं ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? जीरो एरर जो है वो क्यों जरूरी होता है? किसी भी चीज की एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए जीरो एरर जो है वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज की प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपको जीरो एरर का पता नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टॉप वॉच? स्टॉप वॉच वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं। मैकेनिकल और मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है ये भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। 1.110 क्वेश्चन करने की जरूरत दोबारा से नहीं है। Why do we need to measure extremely small interval of time? हमें बहुत छोटा जो टाइम है वो मेजर करना क्यों जरूरत पड़ता है ये भी ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब आपको बहुत छोटे छोटे इवेंट्स मेजर करने पड़ते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है 1 सेकंड से भी कम टाइम में, जैसे कि ब्लिंक करना, आंख का ब्लिंक होना, आंख का छिपकाना, तो ये आप सेकंड से भी कम हिस्से में हो जाता है। इस वजह से आपको जरूरत पड़ती है ऐसे छोटे टाइम इंटरवल मेजर करने की कि जो आपकी कायनात के अंदर बहुत सारी ऐसे वाकयात हैं जो हो रहे हैं सेकंड से भी कम टाइम में। व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट? सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि एक एक्यूरेटली नॉन डिजिट होता है, एक डाउटफुल डिजिट होता है, ये मिलते हैं तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर बनता है, उसके रूल्स भी आप कर चुके हैं। तो 1.110, 11, 12 ये तीनों करने की जरूरत नहीं है, 13 है। हाउ इज प्रिसिजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर? किसी भी मेजरमेंट की प्रिसाइज होना जो है वो किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिलेट करता है? जितने ज्यादा पॉइंट के बाद 3, 4, 5, 2.3, 4 और 2.3, अब इसमें जितने ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट होंगे उतने ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी। इससे आपको पता चलेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेने वाला इंस्ट्रूमेंट था। तो ये आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज वैल्यू का मतलब है उतनी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होती है। तो डियर कैड्स, अब आपको मैं लेके चलता हूं आपके जो होमवर्क है उसकी तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप एक्सरसाइज क्वेश्चन, यहीं तक आपका सिलेबस होगा। ये क्वेश्चन शामिल होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, आपके पास वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास वही सारी चीजें जो मैं पहले से करा चुका हूँ। उसके बाद आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपकी तरफ जो MCQs हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने कर लिया। आप एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो मैंने आपको कहा था आपने करने, अगर आपने नहीं किए तो मैं आपको वो सॉल्व करा देता हूँ। डियर कैडेट्स, हमारे पास जो पहला MCQs है वो है द नंबर ऑफ बेस यूनिट। तो नंबर ऑफ बेस यूनिट 7 होते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव यूनिट, इनमें से कौन सा जो है वो डिराइव यूनिट नहीं है, पास्कल डिराइव है, न्यूटन डिराइव है, वाट डिराइव है, किलोग्राम डिराइव नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, मोल, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास जो नेक्स्ट है, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल, माइक्रो हमारे पास होता है 10^-6, तो ये बन जाएगा 200 × 10^-6, तो पॉइंट इधर है, एक डिजिट इधर एक इधर, दो पॉइंट इधर आ गए, तो ये बन गया 2 × 10^-2 × 10^-6 प्लस 2 − 6 क्या हो जाता है, 2 × 10^-4 होगा आपके पास, −6 + 2 तो 2 माइनस हो गया 6 में से, और साइन लगेगा बड़े वाला, तो वो आपके पास हो गया, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रो और नैनो, नैनो सबसे छोटी होती है, तो ये आपके पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, इंटरनल डायमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ स्टूडेंट क्लेम द डायमीटर ऑफ अ वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट, आप किस हद तक उसके साथ एग्री करते हैं, कि क्या जितने डिजिट उसने मेजर किए हैं ये सारे करेक्ट हैं, ये सारे करेक्ट नहीं हैं। आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज आपको बहुत ज़्यादा अगर एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है तो वो 1.00 तक दे सकता है, तो ये पॉइंट के बाद दो डिजिट दे सकता है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक तो आप एग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद जो 2 आ रहा है उसके साथ आप एग्री नहीं कर सकते। अब मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, उसके बाद एक स्टूडेंट है जिसने थिकनेस नोट किया है ग्लास शीट की स्क्रू गेज की मदद से, ऑन द मेन स्केल एक रीडिंग है 3 जबकि दूसरी रीडिंग है 8 इंडेक्स लाइन के ऊपर, तो कहता है थिकनेस कितनी होगी, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ तो बन जाएगा 0.08 और 3 उसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 3.08 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर इज एन एक्सप्रेशन ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।